अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक यूँ ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुमा आमीन। तो मैंने सोचा कि आज के ब्लॉग में क्या करती हूँ, तो चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ। बस अभी मैं आज मैं बनाऊँगी अफ्तारी। सारी तो मैंने नहीं बनानी, मैंने चीज़ें काट के देनी है, तो देखते हैं अभी और मैं क्या क्या करूँगी। तो अभी मैं थोड़ा सा कुछ काटती हूँ। तो भी ये जो टेबल है, क्योंकि मैंने स्टैंड खुद ही फिक्स किया, तो इसलिए टेबल जो है मुझे, मैं पहले उस तरफ मैंने सारा सिया सेट किया, फिर उस तरफ सही नहीं बन रहा था, फिर मैंने इस तरफ किया, तो इसलिए जो है ये मुझसे मेरा टेबल जो है ना वो दूर हो गया। तो वही मेरा हाथ आ गया, तो ना इसलिए ना अभी जैसा मैं इसे सेट करती हूँ अपनी व्हील चेयर को, पहले एक जगह करती हूँ, यहाँ पे सही है। तो मैंने अपने पास टेबल भी ले आई हूँ। तो अभी मैं ये काटती हूँ कुछ ना कुछ। माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा है, मैंने मास्क पहना हुआ है, मुझे गर्मी से बहुत कुछ हो रहा है इतना मुझे पसीने पसीने आए हुए हैं। तो ये मैं भी पहन लेती हूँ। अभी मैंने, क्योंकि प्याज काटूंगी सबसे पहले, तो प्याज एक मुझसे दूर भाग गया है। देखिए मैं काटती हूँ प्याज, बहुत प्यास लग रही है प्याज का नाम देख के बहुत प्यास लग रही है मुझे। वैसे प्याज जो है वो तो आंखों को लगता है ना, अभी देखना मुझे मेरी आंख को जब लगेगा मेरी आंसू आंसू निकल आएंगे। वैसे वो पहेलियाँ भी होती है ना, वो कौन सी सब्ज़ी है जिसे जो इंसान को ला देती है, कुछ इस तरह ना। वैसे रोज़े में बिल्कुल भी सांस नहीं है, मुझे प्यास प्यास लगी है। तो देखें, वैसे मैंने दुआ की थी अल्लाह पाक जितने दिन हम लोग गांव में बारिश ना हो मैं इंजॉय करूं, एक दिन बारिश हो जिसमें मैं बस बारिश में भीगूं। तो ज़्यादा बारिश में फिर बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। तो ये तो है, मैं आपके साथ पूरी तो नहीं, सारे तो नहीं शेयर करूँगी कि मैंने ये काटा है, क्योंकि इस तरह बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी मेरी वीडियो, फिर आप सब देखते भी नहीं है ना फिर, क्योंकि मैं कहती हूँ मैं छोटी सी वीडियो बनाऊँ जो आप सब देख लें। तो ये होता है फिर मेरी, जब आप सब देखते नहीं हो फिर मेरा जो होता है YouTube जो है वो वीडियो मेरी आगे ही नहीं भेजता, जब आगे ही नहीं भेजेगा फिर मेरी वीडियो वायरल कैसे होगी। और आप सब तो सपोर्ट करना नहीं, आप सब सपोर्ट भी नहीं करते ना। वैसे अभी देखें, अगर मेरे पास वैसे इतना टाइम नहीं था, लेकिन जब भी होता है ना मेरे पास जितने भी सब्सक्राइबर है वो सारे जिसके सारे उस तरह के, मैं ढूंढ 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 के सर्चिंग कर करके कि कौन कौन से जो डिसेबल हैं इस तरह के जो भी है ना, तो मेरे सब्सक्राइबर लिस्ट में ना सारे वो पड़े हुए हैं ना, जो भी डिसेबल हैं पर्सन, जो स्पेशल पर्सन हैं ना उनके ना, और मैं उनकी देखती भी हूँ वीडियोस। और साथ में यह है कि मैंने सब्सक्राइब भी किया, मैं कहती हूँ कि चलो किसी की हो जाती है, अगर कोई इस प्लेटफॉर्म में आता है तो किसी ना किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती होगी, तभी वो आता है ना। वैसे हर किसी को शौक़ तो नहीं होता है ना मीडिया पर आने का, सोशल मीडिया पर आने का, तो इसलिए मैं सबको देखती होती हूँ। तो ये होता है जब आप किसी वीडियो देखेंगे, जो सब्सक्राइबर होते हैं वो देखेंगे, तभी हमारी जो वीडियो होती है वो आगे जाती है। वो मैं क्या बात कह रही थी कि हाँ, सोशल मीडिया बनाने का हर एक को तो शौक नहीं होता ना, हर एक की कोई ना कोई मजबूरी होती है तभी आते हैं। तो मैं भी जब सोशल मीडिया पर आई थी, मैंने बहुत मुश्किल से मुझे परमिशन मिली थी। वो भी किस तरह परमिशन मिली थी कि मैं भी, आप सब ने देखा हो कि नहीं, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू जो वाइस ऑफ हज़ारा पर गया था, तो वो तो चला गया था ना। तो मैंने कहा अब एक दफ़ा मैं सोशल मीडिया पर चली गई, अब मुझे क्यों नहीं परमिशन हो रही ना। तो फिर मैंने, खैर मैंने सोचा और मैंने यूट्यूब चैनल बना ही लिया, तो इंशाल्लाह एक दिन कामयाब हो जाऊंगी। तो चलें जी, मैं आप सबसे इसलिए प्याज काटते हुए बातें कर रही हूँ क्योंकि मुझे प्याज ही ना लग जाए आँखों को, इसलिए।
वैसे इस तरह मैं बहुत ज़्यादा तंग हो रही हूँ व्हील चेयर पर बैठ के, क्योंकि ये व्हील चेयर की जो ये साथ में ये नहीं है हैंडल से, इसके साथ में नहीं नीचे हो सकती है। इस तरह होना, इस तरह। तो आज हमने मामू और सिस्टर्स की फैमिली का रोज़ा अफ्तार करवाना है, तो इसलिए क्योंकि कल का हम लोगों ने जो था उनके घर में अफ्तार किया था, तो आज उनका अफ्तार करवाएंगे अपने घर में, तो इसलिए मैं अफ्तारी का सामान काट रही हूँ खुद ही। तो मैंने कहा आपसे भी शेयर कर लूँ, मैं सिर्फ काटने वाला काम ही करूँगी, तो इसलिए मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ। चलिए व्यूवर्स, तो अभी क्योंकि मैं ये आपसे सारा कुछ काट के ना, तो फिर आपसे थोड़ी थोड़ी ऐड करूँगी, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी फिर आप लोग देखेंगे नहीं ना, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद आपसे ये सारी चीज़ें काट के फिर मिलती हूँ मैं आपसे, तब तक के लिए मैं अपनी वीडियो को बंद कर देती हूँ, क्योंकि जितनी देर टाइम में काटती रहूँगी ना आँखों को लग गया प्यास। ये काटा है मैंने टमाटर के लिए, नहीं सालन के लिए काटा है, ये टमाटर हैं सालन के लिए, ये चावल के लिए है प्याज, और ये पता नहीं किसके लिए, ये लहसुन अभी मैंने छीलना है, और ये देखिए ये अभी धनिया में काट रही हूँ, और ये मैंने बीज निकाले, मैंने कभी लगाऊंगी जाके, फिर अपने बाद में छोटे छोटे इधर पौधे लग जाएंगे, फिर अपने बाद में जाके लगाऊंगी। और अभी मैं जल्दी से ये वगैरह काटती हूँ, और भी बहुत कुछ काटना है साथ साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और मैंने सिर्फ काटने वाला काम करना है, और बाकी तो काम जो है वो मम्मा ने करना है बनाने वाले, क्योंकि मैं नहीं बनाती। तो वो देखें जी, अरीशा और उमर बैठे हुए हैं जी, अभी ये जो है क्लीन बिछा दिए नीचे, मैंने कहा बच्चे जो है ना नीचे गंदे कपड़े गंदे कर रहे हैं इसलिए। अभी ये देखें, अरीशा को मैंने बोला कि आप वीडियो बनाए, ये बेसन है और साथ में पकौड़ों का सामान काटा हुआ है, तो इसकी मैं थोड़ी थोड़ा ऐड करूँगी सब कुछ, तो ये काटा है, और अभी ये फ्रूट चाट मैंने बनाया है, तो ये मैंने भी मिक्स कर दिया है। देखें मुझे तो फ्रूट चाट ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादातर फ्रूट चाट खुद बनाती हूँ, मैंने खुद बनाए हैं। ये चावल जो हैं ये मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाई है, मम्मा ने बनाए हैं चावल। तो मैं आपको बताया मैंने सिर्फ काटने वाला काम किया है, पकाने वाला बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया, तो क्योंकि चूल्हे गांव में बहुत मुश्किल है कुकिंग, और वैसे भी मेरा पाउन जला फिर मैंने नहीं किया। अभी ये है सालन, आलू, कीमा, मटर, तो देखें, और अभी ये अफ्तारी तैयार हो गई है, अभी यही बस रोज़ा खुलने वाला है, तो सब दुआ करेंगे। तो ये सब कुछ लगा दिया है, तो आज की व्लॉग में इतना ही काफ़ी है, तो अभी मैं अपनी व्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी, और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को भी, वैसे दस्तरखान नहीं शेयर करना चाहिए, बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिनके घर में कुछ भी नहीं होता, लेकिन सॉरी मैंने क्योंकि अपलोड कर दिया, क्योंकि मेरी व्लॉग का हिस्सा था इसलिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, खुदा हाफिज़। Love you.